Our first session is by Mr. Junaid Shah. Sir has an immense experience in floriculture and medicinal and aromatic plants. And he works as a technical officer in agriculture production in Farmers Welfare Department. And he will tell you about how to connect yourself not only in the MAP, and how to take it up as a business, and he might share some business models also with you, and he will also tell you how to get connected with the HADP also for MAP. Sir, please start. Dr. Rafiaji. Though I am not a best teacher, I am not a good teacher, but I will try to, what I have learned and what I have earned from the field of the floriculture, I will try to, not to correct Rafiaji, I am not working as technical officer there, I am working as the floriculture development assistant, looking after the extension developments, extension schemes. What will it be okay with Urdu? Yeah, sure. Yes, sir. More convenient ho jayega hamare liye. Theek hai? Because Kashmiris are not good in English. Listeners. Theek hai? To floriculture development scheme mein aap yakeen kijiye mujhe chaar paanch saal ho gaye. मेरे जहन में तो यही था कि फ्लोरिकल्चर का काम है फूल उगाना, फिर लोगों को बेचना, नर्सरीज, फिर वो ब्यूटिफिकेशन मॉडल अपने लॉन्स का. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बोर नहीं हो जाए. ठीक है, यू माइट हैव गॉन थ्रू, आपने बड़े लेक्चर सुने होंगे इसके बारे में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स से. अच्छे लोग आए होंगे, बड़े अच्छे स्पीकर्स आए होंगे, बट मेरा एक कन्फाइंड है. मैं जब घर से निकला आज तो आई हैव मेड दिस ऑल रिप्रेजेंटेशन एट दिस ऑल. फिर मैंने सोचा जब मैं आ रहा था फ्रॉम सेकेंड ऑफर टू हियर, मेरा जहन ही बदल गया कि नहीं, लेट्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेट टुडे. लेट्स नॉट बी ओनली विद द बुक्स, क्योंकि हमारा फार्मर जो है ही इज द बेसिक टेक्नोक्रेट एट बेसिक लेवल. कभी कभी हम फार्मर को बोलते हैं ऐसा करो, जरा बिल्कुल आपने जो बोला वही होगा, उसके दूसरे बाद उसने दूसरा साइड लिया होता है और वो ज्यादा काम कर जाता है, क्योंकि वो उस एनवायरमेंट में पला होता है फ्रॉम द एंसेस्टर्स. उसको पता होता है किस चीज की क्या रेमेडी है, क्या है. अच्छा, इट इज चिल टुडे, बहुत सर्दी है, यहीं से शुरू करते हैं. हमारे पेरेंट्स इस सर्दी में जब सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, क्या बोलते हो? कोई नहीं बोलता पहले कि आप जाओ और वो लिवोस्ट्रिजिन लेके आ जाओ, पैरास्टामोल लेके आ जाओ. दम टूट, इजंट इट? एमिस दीव कहव या शंगर सेपिस्तान अर्ल या क्या बोलते उसको मर्ज त्रय था. तो दिस नॉट टुडे, फ्रॉम पास्ट डेकेड्स यही हो रहा है. दैट इज द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टूडे. सो शंगर सिपिस्तान पुदन है ना, तो मेरी मजबूरी है टू गो विद द स्लाइड्स. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट? आपको पता है कि जब नेचर क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को क्रिएट करने में एक निजाम जो है इंसान का, जानवरों का एंड द प्लांट्स, ये सब एक साथ वजूद में आ गए. फिर एक स्ट्रगल स्टार्ट हुई कि हम कहां जाएं, खाना लेना है कैसे लेंगे. Although जो खाना हमारा था वो बहुत इजी था, टू हंट द एनिमल्स, टू गेट द मीट, जो जिसने हमारी बॉडी को प्रोटीन दिया. ठीक है,
तो अब इसके साथ साथ शीत युग जो जिसके बारे में आपने सुना होगा दैट द जब आइस एज आई थी उसमें फिर बड़ी चीजों की जरूरत पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि somebody soldier was killed, Otisi, he was killed, फिर बट मेरा ताल्लुक जो है मैं जहाँ तक सोचता हूँ जहाँ मैंने थोड़ा सा इसके बारे में I'm the student like you, मैंने पढ़ा इसके बारे में तो it was all natural struggle for existence, जिंदा रहने की जुद्दजहद जो आज भी है। तो उसी जुद्दजहद में इंसान ने अच्छा कश्मीरी में कहावत है गुर नहस क्षमा पिल्स तेरी पोरस तेरी खीर मिल्स। अब जब उसी इंसान को जिसने अपने लिए फूड इस नेचर से तलाश किया और देख लीजिए कुदरत का निजाम देख लीजिए हर कोई चीज आपके पास है अब आप उसको ढूंढना है आपके लिए क्या अच्छा है क्या सही है कौन सा खाना आप खाओगे जिससे आपका पेट सही रहेगा आपका सेहत रहेगा नहीं तो फिर ऐसे भी खाओ तो 15 दिन के बाद ऐसा ठीक है फिर आ जाओ रेमेडीज पे। तो उसी दौर से एक ऐसा ऐसे स्ट्रगल में कुछ लोगों ने या तो बाय चांस किसी ने कोई पत्ता खा लिया बाय चांस किसी ने कोई टहनी उठाई बाय चांस किसी ने किसी लीव के ऊपर थोड़ा सा पानी देखा वो पिया उस मेरे गले में खराश थी मैंने ये खाया मैं ठीक हो गया he kept it reserved उसने इस चीज को रिजर्व किया और अपनी जगह नहीं ये चीज है। How many of you have seen the Urtugul? The serial Urtugul? Urtugul Ghazi? Nowadays, Kurlos Usman? N number of varieties of medicine plants are being used here. Yesterday bhi aapne shayad dekha hoga jo uske aagi hai. To ek phool leke aata hai sab pe. Theek hai, ye wahan se aaya hai. Our ancestors, hamare aabab o ajdaad ne ispe mehnat ki hai. But unfortunately, विद द सर्कमस्टेंसेस जो हालात दुनिया में बने फिर हम एलोपैथ की तरह चले गए केमिकल मेडिसिन हमारे पास आए टाइमली रिलीफ हमको मिला पर साथ साथ हमने नेक्स्ट साथ साथ हमने क्या किया कि एक एक बीमारी के लिए जब हमने कोई चीज ले ली ना तो उसके लिए हमने दूसरी बीमारी को उसी के साथ दावत दे दी। अब फिर रुझान आया किसकी तरफ फिर धीरे 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 एक रुझान फिर आया कि नहीं ये जो हम एलोपैथ का ले रहे पैरास्टामोल ले रहे ठीक है इट्स अ पेन किलर तो ये फर्क हो गया। फिर 10-15 दिन के बाद हमें बोला जाता है कि ये डोजेज इतनी है इसके बाद अब ना ले इसके बाद सर दर्द हुआ तो क्या करें 5 दिन के लिए टैबलेट मिली पेंटोपेरेजाल से हाजमा ठीक हो गया मेरा स्टमक ठीक हो गया 5 दिन के बाद अब नहीं खाना आदि हो जाओगे यू विल हैबिचुअल ऑफ दैट एडिक्ट। उसके बाद क्या 6 दिन फिर स्टमक पेन हो गई अब क्या करूंगा तो आ जाओ ओमप्रजोल अब आ जाओ इस पे यानी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। नाउ हम कहां पे आए इन चीजों को हम वही फिर आप देखिए यहाँ पे आपका एक इलाका है दरगाह सदरबल साइड से ये तो एक हकीम है मिसेस कदरेश्वरनाथ जी एवरीबॉडी नोस क्या करता है ठीक है अल्लाह ताला का उसके पास हुनर होगा या उसकी रहमत होगी ठीक है लेकिन एट द एंड ऑफ द वो ट्रीट ही करता है ना देता क्या है हर्ब्स ही देता है ना और लाता कहाँ से है तभी हमारे जो सूफी गुजरे हैं शेखुल आलम अन पोष तेलिए वन पोष अब जंगलों में तो अन है नहीं अगर ऐसे इसके समझा अन क्या हो राइस ब्रेड वेजिटेबल्स तो ये वहीं से आता है उन फॉरेस्ट से हमने ले लिया लेकिन अब जिसकी सोच इतनी तेज उसने वहां जाके मेहनत की उसने वहां से निकाला लेकिन nowadays a need has come, a need has urged we people. अब इसकी जरूरत बन गई है। Now we understand, especially
एज ग्रुप जो सब्जी हो रो छु ना जिनको आप पता है कि एक मेडिसिन खाने से 5 बीमारियां और लगनी है। चलो आप छोटे हो, ये पैरास्टमॉल आपने ले लिया, आप ठीक है, आपकी सेहत अच्छी रहे, सलामत रहे। लेकिन वो जो बेसिक नीड थी जिसको हम वो केयर उस केयर पे लेके चले कि जो हमारी एक ऐसी रेमेडी हो जो लाइफ लॉन्ग हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो फिर हम आ गए उन मैनुस्क्रिप्ट्स पे वापस आ गए, उन मैनुस्क्रिप्ट्स पे हम वापस आ गए जो हमारे आबाबो अजदाद छोड़ के गए। हिंदुइज्म, आप देखिए अवर कंट्री, इसको पहले से बोला जाता था कि द लैंड ऑफ आयुर्वेदा, ठीक। इसके बाद जितने भी ऋषि मुनि गुजरे हैं, आज भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके, स्पेशली इन कश्मीर, ऐसे हैं जहां एलोपैथ के डॉक्टर्स बहुत कम जाते हैं। क्या जो है यौशी फार फ्लंग एरिया इज अ मॉडर्न डॉक्टर तभी तो क्रेज आल बुद्ध दोहे गज बीमार उसमें दोहे एंड इट हैज बीन कमर्शलाइज्ड, ठीक है। हमारे डॉक्टर्स देखिए, मैं आई एम नॉट मेकिंग रिस्ट्रिक्ट, ईगो मेडिसिन प्लांट, ईगो फ्लोज, मैं आपको बेसिक चीजें इसकी बता रहा हूँ। और जहां पे आपको लगे मैं ट्रैक से हिल गया, यू हैव एवरी राइट टू आस्क मी नर्स और डू, लेट्स हैव अ चैट लाइक दैट यू आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, नो नीड टू टेक द की इधर कोई गन बैठा हुआ, ही कैन मेक एनी बाय इवन द काटी चीज, आई एम लाइक यू। बट मैंने पहले ही आपको बोला कि व्हाट आई हैव अर्न एंड लर्न, ये दो चीजें, मे बी इट विल हेल्प इन योर लाइफ, इट हैज हेल्प इन माय लाइफ टू, अर्न और लर्न, ये दो अलग चीजें। अर्न जो मैं कमाता हूं, लर्न किस चीज से कमाता हूं, दैट इज दिस। तो फिर इन मैनुस्क्रिप्ट्स को पढ़ने के बाद जो हमारे आबा व अजदाद छोड़ के गए थे, इट विल नॉट बी हियर, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं इसकी प्रैक्टिस की थी, मेरी समझ में नहीं आया इस तरह वो कि मैं तो एक इन अ स्टोरी था। अब कोई चीज मिल जाए दैट कैन बी अ कोर्स इंसिडेंस, तो एक वही सिलसिला चला, वही एक ये मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे पास बुक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं आयुर्वेदा की, ये इस चीज़ के काबिल आती है, ये इस चीज़ के काम आती है, ये बूटी इस चीज़ के काम आती है, इससे हमारा बुखार दूर हो जाता है, इससे ये सब। उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ने के बाद जब द थिंक टैंकर्स जो द बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, they fall in it, now it is time we have earned from the manuscript, starts working, yes yes jo in manuscript se jo hame mila hai, khoji log na jinko bolte hain, jo khojte rehte hain, jinke dimag mein hi keeda hota hai kuch khojne ka। acha ye kya hota hai, ek capitalist, ek industrialist kya kaam karta hai, usne apne niche bade ye bade log likhe scientist log unko rakha hota hai, भाई ये काम संभाल तो भाई ये काम संभाल तो भाई ये सब काम संभाल। तो जिसको ये काम दिया गया था कि ये जो मैं बूटियाँ शूटियाँ जो बुक्स शुक्स हैं जरा इनको पढ़ के देख कहाँ से किसका क्या ट्रीटमेंट है, तो उसने निकाला, ही पुट इट इन द इंडस्ट्री, पहले उससे सीखा, यानी कमर्शलाइज किया। दैट इज आवर मेन टॉपिक, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, how can it be a potential business for we people, for the peoples of Jammu and Kashmir। to fir un logon ne kya kiya, acha unko apni diversification dikhani thi, unne bola nahi ki duniya mein do tarike ke plants hai, aise kaise, ek aromatic plants hai ek medicinal plants hai, kyunki unko cosmetic industry bhi chalani hai na, khali dawai nahi, aaj dawai pe paisa kam hota hai aur aromatics pe zyada, is pe हमारे एरोमेटिक्स में ज्यादा होता है, फैशन वैशन पे क्रीम शीम परफ्यूम शर्फ्यूम पे ज्यादा पैसा चला जाता है,
lifestyle change ho gaya na dono cheeze di now we are turning from this allopath to homeopath to ayurveda to other things hamare gharon mein aaj koi mujhe nahi lagta ki koi ghar aisa nahi hoga ki jahan adrak ka use nahi hota hoga itne jahan lehsun ka use nahi hota hoga kyun yes parastamol absolutely adrak ki thawan just right here and kaf syrup aakar they know kaf syrup zyada khane se ab logon ki samajh iski taraf jo rujhan aa gaya that is the wahi aromatics and medicinal plants वही आज डिस्कस करने हम यहाँ आए आपको पता है एरोमेटिक्स क्या है आपको पता है मेडिसिनल प्लांट्स क्या है आपको मुझसे ये सुनने की जरूरत नहीं है जो मुझे बोलना है ठीक है तो इनको जब कैटेगराइज किया गया ये जी मेडिसिनल है ये एरोमेटिक है और मैं आपको एक बात बताऊं मेजॉरिटी ऑफ द वैराइटीज आर बोथ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल अब दुकान तो चलानी है बिजनेस तो चलाना है यू आर द बेस्ट जज कि किसको कैसे प्रिपेयर किया जाए ये तो ठीक हो गया सर इससे खांसी ठीक हो गई इससे दमा ठीक हो गया उससे इवन देन आई वाज यस्टरडे अब बड़ी मुश्किल मुझे भी पढ़ना पड़ा आपको पढ़ाने के लिए तो आई केम टू नो पेरिविंकल एक प्लांट है पेरिविंकल द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर एक बार कैंसर पेशेंट को बता दो ना कि पेरिविंकल तुम्हारा इलाज है दुनिया छोड़ के उसी के पीछे लग जाएगा फॉर हिज हेल्थ अपने आप को ठीक करने के लिए इन चीजों को जब दो हिस्सों में बांटा गया कौन सा वाला इधर से मेडिसिनल प्लांट वो प्लांट शॉर्ट शब्दों में वो प्लांट जिसका हम कोई पार्ट चाहे वो रूट हो वो लीव हो फ्लावर हो स्टेम हो जो भी हो जिसको हम अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अद्वियात समझते ना आप दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते टू क्योर द डिजीज बीमारियों को ठीक करने के लिए अब वो कैटेगरी फिर अलग है किस बीमारी के लिए कौन सी चीज है बट बेसिक थिंग इज कि मेडिसिनल प्लांट इश्यू या से चीज इस्तेमाल करें इस चीज के लिए अब आप सुनिए सर ये तो सबको पता है आप बोल रहे हैं मैंने बोला मेरी मजबूरी भी है इसकी तरफ जाने की तो इस चीज को उस प्लांट को पर्टिक्यूलरली प्रोसेस किया जाता है ताकि ये इस बीमारी का इलाज इस तरीके से किया जाए फिर उसकी डोजेज बनती है कि कितना हम ले कितनी गोलियां ले कस पिल लिमो क्या करो कितने टैबलेट्स ले कैसे पिए कैसे खाए इट इज अ मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन और बोथ वेदर इन मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन देखो ये क्या है मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है आपने देखा होगा जब आप दवाई लाते हैं ना मार्केट से तो बोलते हैं तरत से कुछ आपको केमिकल ऐड तेरे ऐसी ब्लैक लाइन हैव गॉन थ्रू दैट कोई भी ऑइंटमेंट आप लाते हैं ना टूथपेस्ट लाते हैं या कोई भी चीज उसके नीचे एक ब्लैक लाइन लगी होती है अगर आप देखोगे उसके नीचे जहां पे उसका एक्सपायरी डेट होता है और रेट जहां पे होती है नीचे वाले पोर्शन एक ब्लैक लाइन होती है That black line means chemical is included in it. तो कर दिया हमने मॉडर्न में यूज जहां पे नहीं होती है तो कर दिया हमने उसको आयुर्वेदा में यूज आयुर्वेद के मेन प्रोडक्ट्स में ये चीज ये मारक नहीं होता है मेडिसिन प्लांट्स आर यूज फाइटोथेरेपी अवेलिंग प्रिवेंटिंग डिजीज एंड अलाइनमेंट्स बाय यूजिंग होल मेडिसिन प्लांट्स और देयर पार्ट ऑफ फ्लावर्स जो मैंने आपको बताया कि कैसे इसको किया जाता है या तो इसका रूट इस्तेमाल करें या इसका लीव इस्तेमाल करें या इसका स्टेम इस्तेमाल करें जिस चीज से वो ज्यादा मिकदार में निकलता है लेकिन ऐसा भी नहीं है चलो दैट कैन बी ऑन द कमर्शियल पर्पस पे जब हम आ जाते हैं अब मैंने पहले बोला मेडिसिनल प्लांट्स खाली मेडिसिन नहीं देते
ये कुछ ऐसी चीजें भी देते हैं जो एरोमा की ओर जाते हैं. Deer constitute essential oils, extract other isolates as well as finished preparations, tea. As you will see when we will go through this rosemary, when we go with the lavender, when we go with the marigold, when we go with the tetvan, when we will go with the quat. ये नाम आपने सुने होंगे. Another name croth. When we go with ginger. जेरिनियम, तो वहां पे आप ये चीज देखोगे. अच्छा, एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एस्टिमेट किया था, 2002 तक का एस्टिमेट है, 50,000 स्पीशीज इन द वर्ल्ड किस चीज की, मेडिसिनल प्लांट्स की. और अगर मैं आपको बता दूं 50% ऑफ दीज स्पीशीज आर अवेलेबल इन अवर कंट्री जो हम एक्सपोर्ट करते हैं. बिलीव मी दिस इंडस्ट्री हैज ग्रूम्ड. एलोपैथ पीछे जा रहा है, दिस इज गोइंग. अच्छा, एलोपैथ में भी देखो ना आप, अगर उसकी कॉन्सेंट्स आप देखोगे, समहाउ कुछ ना कुछ तो मेडिसिनल प्लांट्स का मिला होता है. अभी जिसपे पूरे वर्ल्ड पे बैन चल रहे हैं वो अफीम, जिसको हम बोलते हैं द हाईएस्ट पेन किलर, हाईएस्ट पेन किलर. पता है आपको कौन सा है? मॉर्फिन. भाई मॉडर्न वर्ल्ड में हो तो क्यों इसको यूज कर रहे हो? और ये तो मेडिसिनल प्लांट से आता है, आप तो कोई और टेक्नोलॉजी दे रहे हो. नहीं, द मॉर्फिन इज कमिंग फ्रॉम दैट अफीम. और ये हाईएस्ट पेन किलर, ये मिस्टर अल्लाह ताला बचाए, जंगों में सिपाही गाही लोग सोल्जर्स हर्ट होते उनको दिया जाता है इस पेन से बचने के लिए. या सो पेशेंट, जैसे कैंसर का पेशेंट कोई हुआ तो उसके बोन्स में उसका असर, तो बड़ी पेन होती है. एज वी हर्ड वी कैन नॉट फील. अल्लाह ताला आप सबको बचाए, हमें भी बचाए, मुझे भी बचाए. तो वो उस पेन को रोकने के लिए लास्ट में उसको मॉर्फिन ही दिया जाता. That is the creation of the medicinal plant. अब आ जाते हैं हमारे aromatic plants पे. Aromatic plants are those contains aromatic compounds, basically essential oils that are volatile. Volatile हम गैर मुस्तहकम. इसकी गैर इसकी volatility ही हमें इसको पानी से अलग कराती. These essential oils are volatile, hydrophobic and highly concentrated compounds. They can be obtained from flowers, buds, seeds. फिर भाई aromatic, aromatic का सच बने smell. अब वो बुरी है या अच्छी है, but aromatic जहां से aroma जो मुश्कस बना कर. The aromatic plant, of its importance, the aromatic plants are very important because they contain aroma yielding chemicals which can be used for their commercial value. Most of the aromatic crops are not eaten by the grazing animals. अच्छा, इनकी एक खासियत है, aromatic plants की एक खासियत है, ये जिस भी फील्ड में आप लगाओ ना, grazing के लिए आप डाल दो भेड़ बकरी जो आपको डाल रहा है, वो घास खाएगा लेकिन aromatic plant को नहीं खाएगा. इन्हीं एरोमेटिक प्लांट से अगर यहां पे 10 बंदे हैं 15 बंदे हैं तो उन 15 बंदों में कहीं 5-6 बंदों ने परफ्यूम तो लगाया होगा. सेम एरोमा विद डिफरेंट टाइटल्स, किसी ने इत्र बोला, किसी ने कोबरा बोला, किसी ने बड़े बड़े नाम आ गए इसमें. अब ये डिपेंड्स अपॉन यू है कि आप किस अपने चीज को कैसे कमर्शलाइज करोगे. मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हम तेल कैसे निकालेंगे, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हम इसकी मेडिसिन कैसे बना सकते हैं इंडस्ट्री के द्वारा, मैं आपको इसके बाई प्रोडक्ट्स बता सकता हूं इसके क्या क्या है, लेकिन कमर्शलाइजेशन के लिए दिमाग
देखो हर कोई चीज अच्छा कशन पत आदत आई माय ब्रदर मैं अपनी स्टोरी पर आई माय ब्रदर मैंने उसको बोला कि यार ये नौकरी शौकरी भी नहीं मिल रही है ऐसा करते हैं कि वो हैडल एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है बिल्ड ए शॉप दिए उस पर अपना काम करो जब तक ये हो जाता है उसने बोला आगे ना चलो ये फर्स्ट एक्सक्यूज वी आर गिविंग अगर नहीं चाहिए हो फिर हो कौन बेसिक चीज जब आप शुरू करोगे ना इस चीज को ना बना पांच सौ पांच जब आप एक कदम चलते हो तो फिर राहे खुद फिर आपको ना कंसंट्रेशन योर जब आपका यही कंसंट्रेशन है कि नहीं इस फील्ड में मुझे आगे जाना है मेरे भाई फिर एजेडीपी हो फिर एरोमा मिशन हो फिर कोई भी मिशन हो आप फिर रास्ते निकाल लेते हो एंड वी हैव दौर ऑफ अगेन दिस मॉडर्नाइजेशन मोबाइल इट इज इन रादर टू बी वो बंदा फिर अलग ही चीज़ों में खोया रहता है जैसे ड्रीम इलेवन पे लोग खोए रहते हैं ना कि टीम को कितना जिता रहा वो फिर उसी लगन में लग अच्छा मेरे पास लेवेंडर ऑयल है इसकी मार्केट वैल्यू ये है कौन बेचता है खुद ही कंसर्न को फोन करता है एंड हियर वी हैव अ बैड हैबिट ऑफ बीइंग द in any relevant field with the monopoly of that hum monopoly kar lete hain usko mila koi kharidar zabardast hamare bhai sahab baithe hain ko kharidar mil gaya koi zabardast hai kuch aur la ek aur dusre ke paas jata hai aapke paas hai ha mere paas hai kaise dekh aise market down achi taavan pe mat aur chuni wa ki khair mat shu panit kya kar do tumist kya man bad acha aage react hit अच्छा वो बड़ा मजबूर वहाँ से होता है हमेशा किसका नाम उस पर भग दूंगा वही इसका ना इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी उसको फिर उसको उसको नहीं पता इसने दुगना कमा लिया उससे अच्छा फिर ये उसको भी बाईपास करता है उसको भी जिसने इसे लिया होता है ये फिर उसके बॉस के पास भी चला जाता है तेरे पास है ना तो इससे क्या होता है इससे टाइमली उस छोटे फार्मर को नुकसान तो होता है बट एट द एंड ऑफ द डे जब डिमांड इसकी आ जाती है फिर ये उसमें आ जाता है क्योंकि वो वाला बंदा जो है वो डायरेक्ट फिर आपके पास आ जाता है एक चेन बन जाती है एमवे खेला आप लोगों में से किसी ने एमवे के वो प्रोडक्ट्स आते थे या दिस इज द मार्केटिंग इज द नेटवर्किंग आप जब इधर से 10 लोग निकलोगे 20 लोग जब आप निकलोगे मेरी ये बातें याद रहे या न रहे आपकी अपनी कनेक्टिविटी आपको बहुत आगे ले जाएगी दैट इज द कमर्शियलाइजेशन मैं बड़ी स्टोरी आपको यहां पे बोलूंगा बट दैट डन वर्क प्रैक्टिकली इन द फील्ड टिल यू आर नॉट अलाइव बाय सेंस फसलें खराब भी हो जाती है नहीं होती फसलें खराब होने के बाद यू रिवाइव कैसे रिवाइव करते हैं हमारे घर में नुकसान नहीं होता है डज दैट मीन यम दो कप्स और फिर दही दो अनवी बिकॉज दैट्स आवर नीड सवेरे चाहिए नहीं होगा तो चाय किस पे पियेंगे और इस घर में खानदार आए तो फिर उसी के सर पे चाय पी जाएगी है ना फिर सारे बर्तन उसी पे फूटेंगे अच्छा बोर तो नहीं हुआ The Valley of Jammu and Kashmir, अब मुद्दे की तरफ आ जाते हैं द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी ये कश्मीर वैली है इसमें अल्लाह ताला की एक खास इनायत है यहाँ की टोपोग्राफी और लैंडस्केपिंग जो है बेस्ट सूटेड इस चीज के लिए हमारे यहाँ वाइल्ड इतने प्लांट ज्यादा उगते हैं मेडिसिन प्लांट हमें पता ही नहीं That again Kadri shows. He knows where it is. Agroclimatic conditions allows us कि हम इनको protected cultivation में भी लाएं. Anybody of you have visited the Bangas Valley? Have you heard the name of the Bangas Valley? Bangas Valley? I have been there once, fortunately. वहां के जो नोमैड्स हैं तो आई वॉज फॉर 4 डेज देयर आई वॉज फॉर पिकनिक देयर कोई मेरा एक मिशन नहीं था उधर जाने का लोगों ने सही किया
एंड इट वाज अ मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर लाइक दैट. तो आई विजिटेड देयर. अब चूंकि इस चीज के साथ जुड़े होते थे, मैंने वहां पे, आप नहीं देखते टुलिप जो उगता है, मैंने वहां पे एक स्पॉट पे देखा कि व्हाइट एंड रेड कलर के फ्लावर्स बीच में निकले. मेरा थ्रस्ट उसी पे था बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू फ्लोरिकल्चर. तो मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं यार, ये तो टुलिप जैसा है. कहा ये टुलिप ही है, इट्स कॉल्ड मुगल टुलिप. फिर कोई और आया उसने कुछ और नाम बोला, बट मुझे याद रहा मुगल टुलिप. मैंने वो लाए वहां से, फिर बातें बातें होती रही. तो उसने बोला कि ये जो दूसरा साइड इसका है सर, वहां अलाउड नहीं है. मैंने बोला क्यों? कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिस्ट्रिक्टेड देयर टू गो बिकॉज वहां पे इतनी वैरायटीज ऑफ मेडिसिन की है, मेडिसिनल प्लांट्स की है, बहुत है. और वो मेडिसिनल प्लांट्स जो सर कहीं मिलते नहीं, इनको यहां से मिलते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट निकाल रहे धीरे धीरे. बट अगेन हर साल फिर वही होता है. ही शोड में बूटी लाइक ए स्कॉर्पियो बिछुआ सर, ऐसी एक बूटी. उसने बोला कि सर इसको नीचे जब खोदते हैं तो ये वहां से निकलते हैं. तो ही ऑफर देने कप ऑफ उसे नोमैड दियर, हमने घोड़े उसके लिए थे. तो उसने ऑफर ऐसा कप ऑफ टी, मैंने इसमें क्या डाला है ना, पीजिए तो सही. अच्छा मेरे दोस्तों ने वो बोला था कि जब आप रात को सोए थे आप खरांटी ले रहे थे. मुझे नहीं पता नींद में किसको क्या पता है, मेरे घर वालों ने कभी मुझे बताया नहीं. तो उसने वो सुना, ही प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ इट वाज लाइक ए टी. तो उसने उसमें कुछ डाला, मैंने बोला इसमें है कितना, आप पिए तो सही. दैट डे इज टुडे, वो दिन है, आज का दिन है. आई डोंट नो मेरे घर वाले मतलब किसी इज्जत से खामोश रहते हैं या किसी, या उस चीज का असर है, नेवर माइंड भी. कभी एग्जास्ट इंसान हो जाता नहीं, या अशपत अक्सर मैं कह रही मिसाल होता है कि हो गया ये चीज रुद हो रुद. तो इट्स अ मेडिसिनल हर्ब जो उसने मुझे दिया, बट स्टिल आई एम वॉन्डरिंग कि उस चीज का नाम क्या था. मैं ताकि मैं रिकमेंड करता, बहुत सारे लोग इस चीज से जूझ रहे, बड़े परेशान हैं, मैं उनको बता देता. तो ये है हमारे कश्मीर के, ये मैंने एक बेल्ट आपको बताया. बड़गाम में आप देखिए, बड़गाम में इसकी क्योंकि वहां से हिली एरिया फिर शुरू हो जाता है. फिर चूंकि हमारा नॉर्दर्न हिमालयाज के साथ ताल्लुक है ना, तो हिमालय इज ऑल ना, मैं क्या बताऊंगा आपको, हार्बर ऑफ दिस मेडिसिनल प्लांट्स. अब उनमें से निकालना फिर कैसे करना. फिर मैंने बोला कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी रही है, अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम इसको कर सकते हैं. तभी ये चीजें आई है हमारे पास, दो चीजें आई है. द डायर नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, चलो ये छोड़ दीजिए. बिसाइड मेडिसिनल प्लांट्स आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड अलार्मिंग रेट, क्योंकि हर चीज का अब क्यों जरूरत पड़ी हमें इनको आप तक पहुंचाने की. आज तक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये मिशन ही नहीं था. वो बोल रहे थे इसके ऊपर एरोमा राइस, दैट वी कॉल्ड मुश्कबुच्ची, रेड राइस, इन्हीं चीजों पे थ्रस्ट होता है, फ्लोरिकल्चर सब्जियों पे. अब थ्रस्ट इसकी हो रहा है, मैं आऊंगा उस बात पर. थ्रस्ट उस चीज की हो रहा है कि नहीं अब इस चीज की जरूरत क्या है जी. इंसान खेत जब उसकी तबीयत थी, इमिस इंसान सेहत ठीक आशे वो क्या खाएगा, तमिस थावत से ब्रोकन जब वाजवानी हमारा तो रेस्ट है, वाजवानी उसके सामने रख दो क्या खाएगा बेचारा. और स्पेशली इन अवर कश्मीर नाउ डेज वी आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ शुगर. अब शुगर बड़ा इंक्रीज हो रहा है और मुझे पता ही नहीं उसका इलाज मेरे लॉन में है वाइडली, मुझे पता ही नहीं. वो आऊंगा मैं उधर, आऊंगा बेटा क्या चीज है उसके लिए, उधर मैं आ जाऊंगा. अच्छा मोटापा अपनी फैटनेस को कम करने के लिए मैं सवेरे से शाम तक एक्सरसाइज, फिर वो क्या होता है ट्रेडमिल. अभी आ रहा है सर्दी हो गई ना, अब जो हमारी जो फैमिलीज है उनमें मॉडर्नाइजेशन आ गई है, ठीक है. तो अच्छा अगर आप यकीन करोगे, मैं 100% आपको बताता हूँ कि अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे ना, वॉक करेंगे ना,
उससे ज्यादा बेनिफिट है rather than to be on treadmill for hours together. आप एक घंटा भी ट्रेडमिल पे रहोगे ना तो उतना नहीं कर पाओगे अगर आप इससे. अच्छा क्यों बताया गया कि सवेरे ही मॉर्निंग वॉक ही सबसे बेस्ट है? व्हाट आई फील, फ्रेश एयर होता है, हम वो सांस कम रसमस करूं तथा दबिश तक चमु सुशा के आंदी चरस पावा के आसन चमु सुशा के आंदी. फिर अगर वो हमारे इलाके अच्छर वाले साइड से हो तो फिर अल्लाह ही आपस में might be somebody residing from that very place. तो वैसे आप नहीं होंगे, आप खुशकिस्मत है, हम ही लगे लगे हैं उसमें. आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर. हाँ नहीं, मैं ज्यादा पकाऊ तो नहीं लग रहा हूँ? नहीं सर. तो हमें पता ही नहीं कि हमारे लॉन में क्या है, हम अपने गमलों में क्या कर सकते हैं. इसको टेरेस्ट्रियल पैराडाइज भी कहते हैं. जन्नत बेनजीर तो था ही, अब टेरेस्ट्रियल पैराडाइज क्या होता है? टेरेस्ट्रियल पैराडाइज एनी बडी जमीनी जन्नत, टेरेस्ट्रियल जमीन को बोलते हैं जमीनी जन्नत. ये जमीनी जन्नत क्या होती है? जमीन से निकलता क्या है? अपनी योजन कराता है, उधर से निकलता भी है जो मुझे चाहिए, जो मुझे जिंदा रखती है, और वही चीज वहां से भी निकलता है जो मुझे वही डाल देती है. ये निजाम है कुदरत का. तो इन सभी को डिस्कस करने के लिए आज हम आए हैं. कुछ गिनी चुनी वैरायटीज मैंने ली है, कुछ सक्सेस स्टोरीज ली है, ताकि मैं आपको, आप भी बोर ना हो जाए और मैं भी फ्राइडे की नमाज तक घर पहुंचता. ठीक है, तो एक आध चीज के लिए दो चार चीजें मैंने दो चार प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिया है, जिनके साथ आपको डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे उगाया जाता है. दैट यू नो आप बेस्ट हो, आप उधर आपने किया है, बट थोड़ा सा मैं इंटेंशन आपको दे देता हूँ कैसे, और उसकी मार्केटिंग क्या है, उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है. ठीक, तो वहाँ पे बोल जाते हैं इस बकवास के बाद. नाउ जैसे मैम ने पहले ही बोला है, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज रिकॉग्नाइज्ड 10 these varieties. Yield जो है वो क्या है, that will be our next slide. लेकिन अब अगर हम root cuttings लगाते हैं, root cuttings growers should always cut healthy straight vigorous stems from the rooting. 700 to 800 cuttings are required per canal. एक canal में 750 से लेकर 800 प्लांट्स तब आप एक कनाल में लगा सकते हो. FOM आपको पता है, उसमें जो फर्टिलाइजर लगता है. लेवेंडर बाय प्रोडक्ट्स, लेवेंडर से आप लेवेंडर ऑयल निकालते हो. अच्छा तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपने शायद आपने आज तक यही सुना होगा कि लेवेंडर से हम लेवेंडर ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. लेवेंडर ऑयल से ऑयल एक्सट्रैक्शन तो ठीक है, लेकिन जो बायोमास, जिस बायोमास से हम ये तेल निकालते हैं, यूस्टेट्स बायोमास तक बचान चुना, उसको फेंकना नहीं है. आपने लेवेंडर पिलोज सुने? यस सर. एज ए बायो पेस्टिसाइड इज इट यूजेबल? विच वन? अच्छा इसका बायोमास आफ्टर एक्सट्रैक्शन? नहीं, इफ वी यूज इट इन ऑर्चर्ड, एप्पल ऑर्चर्ड. Not oil, sir, but clones as a pesticide. The pregnancy of sir. नहीं, उसमें एक चीज देखिए, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, आप रिकॉर्ड में आपको बोलूंगा, it is recommended to grow this lavender in in your orchard. It is allowed, it is permissible. इसमें कोई ऐसा नहीं है, but लेकिन उसमें ये चीजें फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा जब आप chemical sprays करते हैं plants को. इसका दूसरा सर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कुछ अलग है. क्वेश्चन है कि जो फ्रेग्रेंस होती है इसके लेवेंडर की, इज इट यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड इन द एप्पल ऑर्चर्ड? एज वी यूज इट, एज वी यूज पेस्टिसाइड्स ऑफ यू पेस्टिसाइड्स दिस पेस्टिस. अच्छा इसको इट एक्ट्स एज एन अल्टरनेटिव वन. अल्टरनेटिव वन यू कैन यूज इट, बट यू कैन नॉट विगरसली यूज इट. द एवरेज एसेंशियल अब देखिए, लेवेंडर कंटेन्स एन ऑयल. एक तो आपने उसका लेवेंडर पिलो बना लिया,
एक तो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट वी विल डिस्कस इट लेटर डोंट वरी आई विल ट्राई टू मेक इट सेटिस्फाई इफ वी कांट मेक इट द डिस्कशन वी विल गो थ्रू द बुक्स एंड विल सी इट आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा तो लेवेंडर कंटेन्स एन ऑयल दैट सीम्स टू बी हैविंग क्लैम्पिंग इफेक्ट्स ऑन माइट रिलैक्स सर्टेन मसल्स मैंने आपको यही बोला इसीलिए हम वो पिलो का इस्तेमाल करते हैं और जिनको नींद नहीं आती है ना उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है लेवेंडर टी यू कैन यूज although I have not tasted that but people are using the lavender tea average canal dekhiye ab isme yield hai yield ka kya hai jo aapne 750 se lekar 800 plants lagaye field mein ab uska yield jo hai 1 quintal biomass per canal ek canal se 1 quintal biomass nikalta hai aur us 1 canal biomass se you can एक्सट्रैक्ट 1 kg ऑफ लेवेंडर ऑयल उस लेवेंडर 1 kg का की कीमत जो है 12,000 से 15,000 के बीच में इन अवर लोअर मार्केट चला जाता है अब सवाल यहां पे ये उठता है सिर्फ लेवेंडर क्यों ये एक कनाल जमीन को तो मैंने लगा दिया एमएच पे क्या शोर है रुपये 12,000 से 15,000 रुपये इसमें आपका लेबर कंपोनेंट उतना नहीं लगता जितना अदर फील्ड्स में लगता आपने इसको एक बार लगा दिया फॉर 15 इयर्स प्लांट इज देयर 15 साल तक के प्लांट वहीं पे है 8 साल 10 साल तक के लिए प्लांट वहीं पर है नंबर टू ग्रेजिंग के लिए जब आप इसमें डालते हो जो मैंने बोला है ग्रेजिंग आपको ऐसे नहीं करनी है अगर आपने किसी भी शब्द ये मैं आपको एवेन्यूज ऑफ इनकम बता रहा हूं इसमें आपने ग्रेजिंग के लिए अगर उसमें जानवर डाल दिए गिव्स पहल से जानवर अत्मस्त्र आप उससे पैसा लेके उसकी जो आपको यूस्टमिस्ट उसका जो ये होता है मैंगन मैंगन जी ना पेवन दैट कैन ग्रूम इट एंड यू अर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो ये दो चीजें हो गई तीसरा इसका ज्यादातर फायदा कहां पे होता है द एवरेज कटिंग यील्ड इज क्लोज टू 4,500 to 5,000 पर कनाल 4,500 से 5,000 तक आपकी इसकी कटिंग्स ले सकते हो हर साल और एवरी कटिंग कास्ट 6 rupees इन एवरेज इट कैन गो अप टू 10 इफ इट इज इन पॉलीबैग्स इट कैन गो अप टू 15 तो हियर द इनकम आपकी इनकम जो है और ये कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ये थोड़ी आपने उस फील्ड में लगाना है जहां पे आपके खेत खलियान है जहां पे आपके चावल उगते हैं जहां पे आपकी सब्जी उगती है जहां पे कोई चीज उगती है करीबाज जो हमारे पे बड़ी जमीन है जो आपने छोड़ दी है बट सर ऑल्टीट्यूड वेरी होता है ना सर मतलब अगर श्रीनगर में हम ग्रो करेंगे सर मतलब वो पैरामीटर्स तो वहां नहीं मिलेंगे जो वहां मिलेंगे सर कहां पे कौन से पैरामीटर्स मतलब यहाँ के पैरामीटर्स मतलब पीएच मतलब अल्कलाइन एसिडिटीज ऑफ द सॉइल मैंने आपको पहले ही बोला कि वी आर लिविंग इन अ कंडीशन वेयर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फेवरेबल वेरी मच फेवरेबल टू दिस मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स यू कैरी ऑन मैंने आपको पहले ही बोला कि द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द मेडिसिनल प्लांट्स स्पेशली इन कश्मीर डिवीजन आर वेरी मच रिच इट्स वेरी मच रिच इन दैट अब अगर यहाँ पे कहीं पे जरूरत पड़ती है किसी चीज यस यू आर राइट यहाँ पे जो चीज मुझे मिल रही है मेरी टोपोग्राफी के हिसाब से मेरी लैंडस्केपिंग के हिसाब से जो मुझे यहाँ पे मिल रही है वो इन इन क्या बोलते हैं इनको मेन लैंड्स में नहीं मिलेगी इट विल वेरी फ्रॉम गांधरबल टू श्रीनगर इट विल वेरी फ्रॉम बारामूला टू हियर ठीक है तो उस चीज के लिए उस मेडिसिनल प्लांट का इंतखाब करना है वेयर द सॉइल इज बेनिफिशियल टू अस और जहां पे इस चीज की जरूरत पड़ती है वी कैन गो विद दिस क्या बोलते हैं उसको यार केमिकल फ्री जो होती है हमारी ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैन्योर वी कैन यूज इन इट या जहाँ पे फिर उस चीज की जरूरत पड़ती है कि जहाँ पे आपकी सॉइल टेस्टिंग होती है एज पर द सॉइल टेस्टिंग यू हैव टू मेंटेन द सॉइल अकॉर्डिंग टू दैट रही इसमें इरीगेशन मैंने क्यों इस
ये ना करवा की बात की, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ वाटर है वहाँ पे और इसमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो आप बोलते हो जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट हैज़ कम विद अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट विल डिस्कस इन HADP कि जो भी कंपोनेंट आपको, जो भी इनपुट आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग यू दैट। ओके, तो आपका ये आ गया, एक तो आपने ले लिया क्या। सर मेरा क्वेश्चन है, सर सपोज आई हैव अ लैंड समवेयर इन बिटवीन द पैडी लैंड पैडी फील्ड, सपोज वन कनाल आइदर और टू कनाल्स, सो इज इट स्टेबल फॉर लैवेंडर टू बी सोन ओवर देयर? दैट विल बिकम देन द इंटरक्रॉपिंग यू आर सेइंग। नो नो, सपोज द लैंड belongs to someone else, is growing the rice over there. Okay. Suppose mine is in between them. So is it suitable for me to grow over there? For you, you have the one canal of land? Two canals are there. Two canals. You will not grow it for lavender oil, either for for the bigger business. You will make it ki main uski wahan pe plantation karunga, root formation ke liye udhar dalunga. For nursery purpose. For nursery purpose. You are using it. Kya is it? Yields lavender, आप ऑयल के लिए उसको जा रहे हो तो फिर आपके लिए ये लैंड कम है ना, आप तो नर्सरी के लिए जा रहे हो ना, तो दैट इज गुड फॉर देम, उसमें कोई एतराज नहीं। उसके बावजूद भी अगर आपको जरूरत पड़ती है, आप जहाँ पे भी रहते हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है दैट इज मेंट फॉर दिस, आवर एक्सटेंशन प्रोग्राम इज मेंट फॉर दिस। व्हेन एवर यू नीड द हेल्प, टेक्निकल हेल्प स्पेशली, टेक्निकल हेल्प वेयर एवर यू नीड, रेडीली अवेलेबल। पूरी टीम इस पे लगी रहती है कि कहाँ पे किसको, मैं इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, रेस्ट कंपोनेंट के लिए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं हूँ, जो हम करते हैं, मैं आ रहा हूँ उस पे, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो उसमें क्या है कि आप देखो, जब आप ये कल्टिवेट करने लगोगे इस पर्पस के लिए कि मुझे इसके बाई प्रोडक्ट्स निकालने हैं, मुझे एक्सट्रैक्शन ऑयल इसका निकालना है, तो फिर तो वो लैंड सूटेबल नहीं है, फिर उस चीज़ के लिए नहीं है। हाँ, नर्सरी टू अर्न, मैंने वही बोला ना, फिर टू अर्न कमाने के लिए टू हैव द बिजनेस। जब आप इसी किसी हद तक ये बढ़ जाता है, फिर एक प्लांट आपने इस चीज़ के लिए रखा कि वो बड़ा हो गया, दूसरा प्लांट आपने इस चीज़ के लिए रखा कि वहाँ से कटिंग्स लेकर इस साल मैं इधर लगाऊंगा, वो रूट फॉर्मेशन में आ जाएंगी, मैं उनको बेच दूंगा। और यकीन मानो आप, टुडे द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे 25 लाख रूटेड प्लांट्स भी कम पड़ गए, 25 लाख। फिर जब एक कनाल में आप, मैंने बोला कि आप एक साल में 4,500 से 5,000 कटिंग्स ले सकते हो, ये 4,500 से 5,000 कटिंग्स को तो रूट फॉर्मेशन देनी है ना, उनके लिए आपका साइड प्लान वो दूसरा एक कनाल जो आपका है वो यूज आ जाएगा, तो इट विल बी अ कंटिन्यूस। उधर से आपने लिया, इधर आपने कर दिया, उधर से आपने लिया, इधर आपने कर दिया, इट विल बी कंटिन्यूसली अ प्रोसेस। इसको वहीं चलाना पड़ेगा बेटा। अब पहले आप ऊपर देखो, वी हैव अ सक्सेस स्टोरी फ्रॉम द टू डिस्ट्रिक्ट्स जिनके साथ मैं वाबस्ता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आई हैव रजिस्टर्ड फॉर लास्ट ईयर 450 फार्मर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कश्मीर वैली हु आर दिस विलिंग टू गो विद दिस लेवेंडर कल्टिवेशन। और अभी हमें उनको जो सप्लाई देनी है ना, आप सोच रहे कहाँ से लाएं, क्योंकि लोग इतना इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड इट इज ऑल्सो ए प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट वी कॉल द पर्पल रिवोल्यूशन। ये हमारे कंगन के, नहीं वीडियो पे क्लिक करो, वीडियो पे वापस ये। मैं रियाज अहमद फला डिस्ट्रिक्ट कालर और एक दूसरा गाँव हाथा से ताल्लुक रखता हूँ। एक्चुअली मैं एक टीवी प्रोग्राम में देखा उस तरह इस लेवेंडर के बारे में, तो लेवेंडर 2015 से मैंने शुरुआत इसकी की, और डॉक्टर शाकिर मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे इस बारे में गाइड किया। तो उसके बाद 2 साल तक मुझे लगा इसमें कोई फायदा नहीं है, तीसरे साल जब देखा तो उसमें अच्छी खासी फसल पैदा हो गई, और मैंने एक्सट्रैक्ट करके इसका तेल निकाला और मार्केट में भी
देकर इसका अच्छा खासा पैसा हासिल किया। एक्चुअली बहुत अच्छा काश्त इसमें होता है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इसमें कम है और खासकर मार्केटिंग इसमें मुझे लगा बहुत कम है। और जैसे गांधरबल में एक्स्ट्रा प्लांट तो लगा है, अब केरी के बाद में लगा है, लेकिन हमें लगा वो काफी दूर है, तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ नजदीक एक्स्ट्रा प्लांट लगे और लोगों में अवेयरनेस हो जाए तो इस बारे में मुझे लगा कि ये एक रेवोल्यूशन खत्म होगा और हमारा इलाका जो वैसे भी टूरिस्ट इलाका है इसमें बहुत ही अच्छा इसका फसल और इसकी आमदन रहेगी। नेक्स्ट वन है वो पुलवामा की देखेंगे। इससे पहले जो था इस एजाज अहमद फ्रॉम कंगन बांगत, उससे पहले ही आता है, ये वहाँ का है। तो इसको इसने 2015 में स्टार्ट किया था, लेकिन इसको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी कि हाउ टू मेक ए किक स्टार्टिंग इट। फिर ये हमारे पास आए, ये रजिस्टर्ड हिमसेल्फ विद द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो इसको ये एक डर ये लगा रहता था कि जब मैं इसका प्लांट मटेरियल निकालूंगा, जब मैं बायोमास इसका निकालूंगा, तो मैं कहाँ ले जाऊँ इसको एक्सट्रैक्ट करने की। नहीं, मार्केटिंग तो बाद की बात है ना, पहले वो ऑयल कहाँ से निकालूँ। तो फिर आई ट्राई टू फैसिलिटेट हिम, मैंने उसको बोला कि आप ये जो इसका निकाल रहे हो, आप इसका बायोमास इतना काट दीजिए, इस सेटिंग पे उसको काट दीजिए और लाइए। इन्हें लोड कैरियर बोरियो में भर भर के उसने लाया, एंड लालमंडी वी आर हैविंग द एक्सट्रैक्शन यूनिट। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसको वहाँ पे कराया, एंड ही बिकम वेरी मच हैप्पी। पदकोरम एम कोर, आप यकीन नहीं करोगे, एम सो बोशर को था सर, इसने वो उसको बोला कि आप मुझे अलग से दे दो, क्योंकि सुबह सब ने पगा बनू। वो इतना खुश हो गया कि सुबह सब ने पगा बनू कि ना वही मस्जिद बकरह में जो सोचा उसी ने असर बहुत में। एंड लास्ट ईयर ही हैज प्रोड्यूस्ड 95,000 दीज रूटेड कटिंग्स, बट 2 लीटर्स ऑफ ऑयल, क्योंकि अभी ग्रूमिंग स्टेज में था ना। आप इसको तीसरे साल के बाद काउंट कीजिए कि अब ये मेरा इनपुट जो है, अब मेरा जो ये एक्सपोर्ट जो है वो फायदा ज़्यादा देने लगेगा। तो प्लांट्स आर देयर, यू कैन विजिट देयर। और ये जो दूसरा है दैट वाज रियाज अहमद, एंड नाउ दिस फ्रॉम एजाज अहमद फ्रॉम पुलवामा, हाकना हाकडूर और हाकना रिसीव टेल यू। तो आई हैव बीन, इसने क्या काम किया है, अभी से 5 या 10 करोड़ से। अब देखो इसने क्या किया है, 5 या 10 कनाल इसके पास जमीन है। जैसे एप्पल ऑर्चर्ड की बात कर रहे थे ना, उसने एप्पल ऑर्चर्ड उसमें भी लगाया है। और इसने विसिनिटी में जितने भी फार्मर्स है विद हाफ ए कनाल लैंड, विद 1 कनाल लैंड, विद 2 कनाल लैंड, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है। अभी उनका ग्रुप लीडर बन गया है ये सारा जो है। अब इसने अपना ये लगाया है एक्सट्रैक्शन प्लांट, इसने अपना लाया है, उसी में ये एक्सट्रैक्ट करता है। प्लस जो हमने जो हमारे पास फार्मर्स है, वी हैव सजेस्टेड देम कि सपोज बारामूला में हमारा हो रहा है, या बड़गाम में हो रहा है, या कुपवाड़ा में हो रहा है, दैट इज इन गांधरबल, बट वी हैव सजेस्टेड देम, हमने उनको कंपनीज का ये दिया है, नाम दिया है कि यहाँ से पोर्टेबल एक्सट्रैक्शन प्लांट सब ले लो, जो 50 kg कैपेसिटी वाला हो, 20 kg वाला, क्योंकि वो 20 kg वाला उसको उस काम भी आएगा अगर वो बल्गेरियन रोज के साथ करता है, अगर वो रोजमेरी के साथ करता है। कैसे इन लेवेंडर यू कैन हैव बायोमास ऑन अ वेरी बिग स्केल,
कनाल एक क्विंटल, वो दैट मीन्स उस चीज के लिए अगर आप 50 केजी वाला भी लेते हो, 25 केजी वाला भी लेते हो, चार स्टंट्स में आप उसको कर सकते हो। लेकिन लेवेंडर रोज एक क्विंटल तक तुम लीव समरावी, और तो मेरे ख्याल से फिर बहुत सारी लैंड चाहिए उस चीज की, वो भी उसमें भी आएंगे कितना होना चाहिए। तो उसके लिए वी सजेस्टेड देम कि यू गो विद द स्मॉलर 25 केजी वाला, 20 केजी वाला। ठीक है, लेवेंडर के लिए थोड़ी सी दिक्कत आपको हो जाएगी अगर आपके पास 50 क्विंटल का नहीं है, 50 केजी का निकलता है, यू विल गो विद टू स्टंट्स और थ्री स्टंट्स। बट फॉर वो चीज बचाने के लिए, क्योंकि लेवेंडर ऑयल तो जाता है भाई 12 से 15 हज़ार के बीच में एक लीटर, बट व्हेन यू गो विद बल्गेरियन रोज ऑयल जो एक्सट्रैक्ट आपको होता है, दैट कॉस्ट्स 11 लाख रुपीज इन द मार्केट, 10 to 11 lakhs उसका ऑयल जाता है। फिर उसकी जो बायो प्रोडक्ट्स है वो अलग से, या रोजमेरी का इसी तरह। तो इसीलिए उसको छोटे स्केल पे चलाइए बेटा। उसको इसका बायोमास करता है एक, मतलब जो इसका स्टेम होता है जहां पे फ्लावर्स खत्म हो जाते हैं, एक सेकंड जहां पे अब इसका ये जो बायोमास कैसे निकाले हम, कितना हिस्सा, कितना पोर्शन इसका काटे, जहां पे इसका ये फ्लावर जहां पे खत्म हो जाता है कि वहां पे आपको कट मारना है। तो सुचमा ईटा लुक मुझे एक्सपर्ट तुम सुचमा ड्राइज सुचट अदरवाइज इन फ्रांस एंड अदर फॉरेन कंट्रीज। तो आई डोंट हैव टाइम, मैं आपको फ्रांस की एक वीडियो चला के लिखा था कि वो किस पैमाने पे इसको करते हैं, उनके पास मशीन्स क्या है उसको करने के लिए। और पर्पल रेवोल्यूशन अगर आप वहाँ पे देखोगे ना, तो मतलब आई हैव बीन इन अवर सिरहामा फार्म, यू शुड विजिट वंस देयर इन द सीजन। आप देखोगे वहाँ पे जो लोग हैं वो फोटोग्राफी के लिए वहाँ पे आते हैं, इतना ब्यूटीफुल सीन होता है और इतना अच्छा एरोमा होता है कि मतलब मस्त, जिसको कहीं नींद ना आ जाए वहाँ पे मस्त वो सोता है। क्योंकि इस एरोमा की एक खासियत है इसके लेवेंडर की कि मसल रिलैक्स हो जाते हैं और इंसान को लगता है कि बस मैं जन्नत में आ गया हूँ, लेट्स हैव अ नाइस स्लीप हियर। वहाँ लोग जाते हैं एंड फॉरेनर्स ऑन द वे विजिट दियर, और बहुत सारे लोग इसको अब इस चीज़ के साथ भी कमर्शलाइज करते हैं कि मैं एक दो पैक्स ऐसे बनाऊँगा कि मैं एक ऐसा बाग बनाऊँ जिसको मैं कमर्शलाइज करूँगा, फिर दादा वो और पिथर टिकट। आई हैव बीन इन केरला, तो वहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे कि उन लोगों ने अचना यूथ जमीन लेता सर बेहड़े थोड़े पार्क बेहद मुगल गार्डन्स। तो उन्होंने क्या किया है कि एक मेरे ख्याल से 4-5 किनाल जमीन की लैंड होगी, उसमें डिफरेंट यूनिट्स बनाए हुए हैं, एक कॉफ़ी शॉप खोला हुआ है, कहीं पे कोई बर्गर वाला है, कहीं पे मतलब डिफरेंट स्पॉट्स पे, कहीं पे वो रोजमेरी टी वाला है, कहीं पे यू माइट नॉट बी नोइंग ये जाफिस क्या सुन मैरीगोल्ड टी वाला है, मैरीगोल्ड है टी ऑल्सो। तो ये मैंने वहाँ पे देखा, देन आई हैव गॉट द वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो, आई विल शो इट टू यू। तो अब उसने लेवेंडर इधर से भी लगाया है, इधर से भी लगाया है। नाउ एक कितना ऑसम है उसके बीच में से जाना, उस फ्रेगरेंस को क्रॉस करके रोजमेरी वाले फ्रेगरेंस में चले जाना, उसके बाद वहाँ से निकलकर फिर मेंट वाली फ्रेगरेंस में जाना। तो डिफरेंट कल्चर्स जो उसने वहाँ पे क्रिएट किए हैं उन लोगों ने, इट्स ऑसम। ये लस्सीपुरा वाला है। 2015 से मैंने ये जो लेवेंडर की कास्ट है स्टार्ट करी, तो उस समय मैंने ज़्यादा नहीं कुछ 20 कनाल की आराजी मेरे पास थी, उस पर मैंने उस समय लेवेंडर के पौधे स्टार्ट में मैंने ये डिस्प्लेशन कर दिया 2015 सर। एक दो साल पहले जो इसके होते हैं तो ये जो पौधे होते हैं मैं ज़्यादा फसल नहीं आती है, तीसरे साल से इसमें अच्छी भरपूर फसल आती है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जैसे हम मक्की लगाई, सब्जी लगाई, शाली लगाई,
या इवन जो बाजार है आजकल के दिन में अगर हम देखिए कि हमें अपने क्या हाथ पे कितना खर्चा आता है तो कब जाके फिर वो फसल देते हैं तो उस हिसाब से भी लगाना बहुत बेटर है क्योंकि मान लो तीसरे साल से इसमें अच्छी भरपूर फसल आती है तो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें। तो अभी आज के डेट में मेरा कम से कम 80 कैनाल पर जो है लेवेंडर का काश चल रहा है उसमें कुछ लैंड जो हमें कंट्रैक्ट फार्मिंग पर भी है तो मैं जाके अपने लैंड पर मुझे 50,000 कैनाल में अपने लैंड तो बहुत ही अच्छे रिटर्न है इसके। तो हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ रहे तो इन साल में मैंने 2015 से आज तक यानी 2022 तक बहुत सारे लोगों को अपने साथ किया तो हमारे पास लेवेंडर की नर्सरियाँ भी अवेलेबल रहती है तो लेवेंडर के पौधे जिसको भी चाहिए होते हैं उनको। ठीक है, यह बहुत ही स्टोरी। अब इस बंदे ने क्या काम किया है, मैंने आपको बोला कि इसने बोला ना 80 कनाल लैंड। आप नीचे वाले को चलाते रहिए, हम बात भी करेंगे। यू हैव दिस और सरहा फार जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर आपको पता चलेगा कि कैसे के बाद जो अब इसका फ्लावर पोर्शन निकालते हो एक्सट्रैक्शन के लिए, इसके बाद कटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ वी कम ऑन द रूल्स। अब हमने मैंने आपको पहले भी बोला कि मैंने क्यों पर्टिकुलरली कुछ ही क्रॉप्स लिए, क्योंकि यही वो क्रॉप्स है जो बड़ी इजीली हम उगा सकते हैं, जिनका मार्केट इजीली अवेलेबल है, जिसको फिर बेचने में भी परेशानी नहीं आती। प्लांट्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन रोज ऑयल, ठीक है, फिर वही वोलेटाइल एंड रोज वाटर। बल्गेरियन रोज ऑयल इज यूज्ड इन सोप एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें खाली इतना ही नहीं है, आपने ऑयल के लिए इसको यूज किया, रोज ऑयल जो होता है बड़ा ही महंगा बिकता है मार्केट में, बहुत महंगा बिकता है, लेकिन ये निकलता भी बहुत कम है। मेरे ख्याल से इन वन कनाल, दैट विल बी द नेक्स्ट स्लाइड, 25 ग्राम्स के आसपास निकलता है। इसकी मार्केट वैल्यू जो इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट की बात में नहीं कर रहा हूं, इंडियन मार्केट में फार्मर्स इसको बेचते हैं इंडस्ट्रीज को 10 से 15 लाख के बीच में सौदा हो जाता है। फिर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रेट फिर और हाई हो जाती है। ये हम कैसे शो करते हैं, अगर हम लेयरिंग करनी है,
بلغیرین روز کو لیئر کی صورت میں یعنی اخ لنڈ وج بون تترو پٹ میز تتن صبح پگا نو پلانٹ تو وہ فیب سے مارچ میں ہم کرتے ہیں سٹم کٹنگ سپٹمبر سے اکتوبر تک ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن ول اکوموڈیٹ 3500 پلانٹس پر کنال 3500 پلانٹس پر کنال ہیونگ پلانٹ ڈینسٹی 7 پلانٹس پر میٹر اسکوائر Standard rows are planted at spacing of 90 to 100 centimeters. Next. Nahin, neeche wala. Ye dekhi, iske, one canal of land can produce approximately one quintal biomass. Usme bhi nikalta tha. The average essential oil is close to 25 grams per canal. Isi liye maine bola ki rows چونکہ ہمارے پاس جو اس کے جو فلاور پورشن اس کا ہے اس کا ایک کوئنٹل جمع کرتے کرتے پھر بڑا یہ ہو جائے گا ایکسٹریکشن پلانٹ جتنا چھوٹا ہو ہمارا اب سبسٹیز پہ بھی ملتا ہے اسی لیے میں نے بولا یو گو تھرو دا ایچ اے ڈی پی اس کے لیے میں لاسٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا روز آئل ذرا بیٹا اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیے تھوڑا سا اوپر ہاں 10,95,000 रुपीज दमिश्कन रोज ही बल्गेरियन रोज है पर लीटर ये इसका ऑयल आ गया इसकी सोप ही आ जाती है इसमें इधर आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड तो नहीं उसी का ऊपर वाला वो हाँ ये तो ये छोड़ दो नीचे वाला अब देखिए रुक रुक अभी नहीं कीजिएगा ये तो ये है कि हमने कैसे इसको फिर डिस्टिलेशन यूनिट तक लेना है پھر وہاں سے اس کا آئل نکالنا ہے پھر وہاں سے بائی پروڈکٹ اس کا نکالنا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ آج دکھاتا ہوں کیسے گھر میں ہمارے روز پلانٹس ہوتے ہیں نا آنگنس میں کشتوتر گلاب کل لگی آپ اس کا عطر کیسے نکال سکتے ہیں وہ تھوڑا سا میں نے آپ روم کے لیے لایا ہے پلیز ایک تو ہمارے یہاں بلغیرین روز ہے اور دوسرا ہماچل روز ہے یہ ان دو کی کوالٹی آف دس پرفیوم جو ہے وہ زبردست مانی جاتی ہے نہیں جائیں گے سر آج کل زیادہ بزنس
रन है, मतलब फ्लोवर कटिंग सर, ठीक, उसके ऊपर ज्यादा बिजनेस होता है सर। वो मैं आ रहा हूँ इस पे, मतलब वो हम मतलब प्रिजर्व, जैसे हम फूड करते हैं ना प्रिजर्व सर, एज ए एप्पल हम कोल्ड स्टोरेज में करते हैं ऑफ सीजन के लिए, ऐसे ही रोज कटिंग हम मतलब जो मतलब फ्लावर कटिंग फ्लावर प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब नहीं शेल्फ लाइफ देखनी पड़ेगी ना, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, मतलब कर सकते हैं सर वो, कैसे कर सकते हैं? देखिए दो चीजें, एक तो ये एक सीजनल प्लांट है, इसका फ्लावर जो है उसको ज़्यादा देर प्रिजर्व नहीं कर सकते, जब तक ये प्लांट के साथ अटैच है तो है, उसके बाद आप इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के इसको वाटर में रख के कर सकते हैं, लेकिन उतना कोल्ड स्टोरेज टाइप पे ये नहीं होता है, नंबर वन। अब आ जाते हैं इस पे आपका ये जो है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड की काज, मैरीगोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग एनिमल, इसका बेटा आगे आ जाओ पहले वाले। ऊपर नहीं, ऊपर जाओ उसको थोड़ा सा, उधर से स्लाइड को ऊपर। हाँ, मैरीगोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग एनिमल कल्टिवेटेड अराउंड द ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वाइल्ड हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड से आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाइब्रिड इज गुड फॉर डेकोरेशन इन योर ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर लॉन्स, लेकिन ये जो वाइल्ड मैरीगोल्ड है यू कैन यूज इट फॉर द कमर्शियल वैल्यू, यू कैन यूज इट, यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम इट, यू कैन एक्सट्रैक्ट दिस मैरीगोल्ड ऑयल, मैरीगोल्ड परफ्यूम, मैरीगोल्ड टी, इवन देन मैरीगोल्ड क्रीम, इसके बाय प्रोडक्ट्स जो आप कर सकते। इसका सीजन है, सीड रेट मैरीगोल्ड वेरीज फ्रॉम 100 टू 125 ग्राम्स पर कनाल एंड टेक्स अबाउट 5 to 7 डेज फॉर जर्मिनेशन। सीड्स कैन बी सोन ऑन नर्सरी बेड्स इन लाइंस और शैलो रोज। वन कनाल ऑफ लैंड कैन प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली, एक कनाल लैंड पे अगर आप मैरीगोल्ड की कल्टीवेशन करते हो 1.50 टू 2.0 क्विंटल्स ऑफ बायोमास, डेढ़ से दो क्विंटल का बायोमास आपका निकलता है। The average essential oil yield is close to 30 to 35 grams per canal. 30 से 35 ग्राम का पर कनाल आपको ऑयल एक्सट्रैक्शन हो जाता है। ये इसका एक बाय प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट इसका दिए टी है, हम मैरीगोल्ड टी लेते हैं, दूसरा मैरीगोल्ड परफ्यूम और मैरीगोल्ड क्रीम इसकी बनती है। ये बाय प्रोडक्ट्स इन द मार्केट थ्रू द इंडस्ट्री, क्योंकि आप तो इन चीज़ों को नहीं बनाओगे ना, ये जो इसके इंडस्ट्रीज है वो आपसे मैरीगोल्ड का, गेंदे का फूल, इसको हिंदी में बोलते हैं गेंदे का फूल या कर्शी पोचते समय जाफरी, तो वो इससे ये फूल आपसे खरीद के लेंगे। मैं उधर आपको एक चीज़ जो आप बोल रहे थे, जो आपका कंसेप्ट था रिगार्डिंग दिस ये बल्गेरियन रोज, बल्गेरियन रोज ही नहीं कोई भी रोज हो, इसमें वही यहाँ पे भी आता है, ये हमारे यहाँ रिलीजियस बिलीफ्स में बड़ा इस्तेमाल होता है। एंड इन जम्मू, इफ यू हैव विजिटेड जम्मू, आप देखोगे सवेरे जीवल चौक से लेकर ऊपर वाले चौक तक एक पूरा मार्केट लगता है फ्लावर्स का। वही सर बोल रहा था, मतलब ऑफ सीजन के लिए मतलब स्टोर कर सकते हैं, मतलब नहीं उतना कोल्ड स्टोर, जो आप आपने इसके साथ फ्रूट्स के साथ कंपैरिजन किया ना फॉर ईयर टुगेदर फॉर अ मंथ और टू यू कैन, मतलब पर पर्टिकुलर ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनको करते हैं। हां इसीलिए जो है नाउ द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, मैं क्यों बोल रहा हूं एचएडीपी पे आऊंगा ना, मैं क्यों इसलिए मैंने बोला था मैं एचएडीपी में बोलूंगा कि यहां से आपको एक फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी ताकि आपका फूल जो है जब ये इंडियन मार्केट में चला जाएगा, अदर स्टेट्स के मार्केट में चला जाएगा, तब तक इसकी शेल्फ लाइफ बनी रहे, वो तो है, बट द कंसेप्ट यू कैन गो विद द कोल्ड स्टोरेज कि फिर यू विल थिंक इट विल रिमेन फॉर मंथ्स डियर फॉर मोर देन अ वीक, और चलो लेट इट बी अप टू 10 or 15, 10 or 12 डेज, आई कैन नॉट गो मोर देन 12 डेज, इट कैन बी देयर फॉर बियॉन्ड दैट ये सर्वाइव नहीं करवाएगा, क्यों फिर हम ही लोग हैं
आप उनकी बात छोड़िए, अगर मैं कांची मार्केट में प्रेफर टू गेट अ फ्रेश वन, ठीक है, आजकल हमारी समझ में आ रहा है कोल्ड स्टोरेज वाला एप्पल शाम को जब खाते हैं, नहीं आ रहा, हम समझते हैं कि ये स्टोरेज वाला है या तो मान रहे ना कुछ, तो फ्रेश के पीछे सभी लगे रहते हैं, इसीलिए फ्लाइट सेंटर ऑपरेटेड फॉर दैट, ताकि आप जाओ। और यहाँ पे भी आप लाल चौक में देखो, गेंदे का फूल सवेरे पंडित भाइयों के लिए बिकता है, या यहाँ पे जो हमारा नोनर फार्म जो हमारा है एग्रीकल्चर का, टॉक टू द मैनेजर देयर, ही सेल्स 1 kg ऑफ रोज फ्लावर्स ऑन वेडिंग सेरेमनीज 500 to 600 rupees पर केजी। अल्गेरियन रोज से आप ऑयल निकालते हो तो दूसरे फूल और भी तो है, और भी वैरायटीज ऑफ रोज है, उनका क्या करें, तो इन चीजों में वो आ जाता है। आप आ जाओ बेटा, इसका मैं आपको वो जरूरी दिखाना चाहूंगा, वो देयर इज अ 30 seconds वीडियो, रो दिस मैरी गोल्ड टी, तो बस इट विल टेक मी 10 मिनट्स मोर, सो आई विल क्लोज द। एक्चुअली इतने प्यारे हैं, इनके साथ बातें करने में बड़ा मजा आया। टी, ठीक है, फिर यू कैन ऐड इंग्रेडिएंट्स, आप क्या उसमें मिलाना चाहते हो, दालचीनी मिलाओ, इलायची मिलाओ या चीनी मिलाओ, आप यूज इट एज अ कलरेंट इन द स्वीट सॉस, स्वीट सॉस, ठीक है, नहीं वो तो फिर वही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो उसका निकलता है वही फिर यूज करेंगे उस चीज के। नेक्स्ट बेटा, हाँ दिस इज द मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, रोज मैरी, तो आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस इन माई फैमिली, आई विल टेक द कंसर्न ऑफ राफिया मैम टू ऑन दैट, कि मेरे फादर को ही हैज बीन ऑपरेटेड फॉर दिस किडनी सर्जरीज, बोथ द ही वाज हैविंग द रीनल कार्सिनोमा इन बोथ द किडनीज, फिर अल्लाह के करम से उनकी सर्जरी हो गई और उसके बाद उनका वेट जो है 4 साल के बाद वेट बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर हम कॉन्टैक्ट द डॉक्टर जैसे इज अ नेचुरल, उसका और इसका कोई वास्ता नहीं है, तो इसको बोलिए भाग पा कीजिए। 1 साल तक उसने भाग किया, 9 महीने के रोजे रखे, वेट नीचे तब भी नहीं आया, देन फिर मुझे एक टीचर ने बोला कि व्हाई डोंट यू गो विद द रोजमेरी टी, आप क्यों लाते हो मार्केट से ये जो ग्रीन टीज हमें मिलती है, दिस माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड यू कैन सी देम, यू कैन मीट देम, ही इज एज हेल्दी एज मीना, तो व्हाई डोंट वी गो विद दैट, तो चूंकि मैं था फ्लोरिकल्चर सेक्शन में, मैंने उनको बोला जरा मुझे यार रोजमेरी दे दो, तो मैंने जब लाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही से उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई, थोड़ी सी हल्की सी, और जो हमारा वो कहवा आता है ना मार्केट में, तो उसको थोड़ा सा टेस्ट बनाने की, क्योंकि फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है, तो उन्हें लिया, यू विल नॉट बिलीव, ही इज यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 4 months, ही इज ऑल ओके, ही हैज लॉस्ट 9 kgs ऑफ वेट। सर बगैर एक बात बोलना चाहूंगा सर, हम सेल्फ यूज नहीं कर सकते, नहीं नहीं आप सोचिए इनमें सब कुछ कंस्ट्रक्टर्स ऐसे होंगे जो जिनका नेगेटिव इंपैक्ट होगा सर, मैं जैसे दातुर आपने सुना होगा सर, मैंने भी उसमें देखा है कि मतलब उससे हेलोसिनेशन हो जाता है, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट भी है उसका, तो जो रेड फ्लैग प्लांट्स है ना वो अलग है, रोजमेरी उसमें नहीं आता है, देयर आर सर्टन प्लांट्स लाइक आपने दतुरा बोला या आपने आप पॉपी सीड का प्लांट ही ले लो, उसका बोथ द यूजेस है और भी बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं। एक्चुअली मैं डजंट सेट द रेड लिस्ट प्लांट, इट सेज देयर शुड बी द देयर मे बी सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच मे बी दिस इज द ब्यूटी ऑफ नहीं वो मैंने पहले आपको दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर हर्बल प्रोडक्ट्स, चीज के लिए आरएनडी बहुत जरूरी है किसी भी चीज की। आई गॉट इट देखो मैंने पहले यही बोला था, जो हम एलोपैथ के मेडिसिन यूज करते हैं जितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स उसके हैं, मैं इनकार नहीं करता कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है कि विग्रस यूज पे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स बनिस्बत कि हमारे बाकी जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनसे बहुत ज्यादा कम है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा था कि आई एम आई विटनेस्ड कि नहीं, रोज मैरी वर्क्स,
मेरे कहने का मकसद था कि रोजमेरी वर्क से हमें पर्सनल एक्सपीरियंस, अदर्स ये तो आपको ये अपने ये क्या बोला था मैंने उनका नाम, ये जो सदरबल वाले हमारे कादिर साहब ही बोलेंगे कि मैंने रोजमेरी के साथ गेंदे का फूल मिला के इसका ये मिक्सचर बना के ये इंग्रेडिएंट बनाया, बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड इन दैट। बट वी शुड नो, मगर हमको पता होना चाहिए ना सर, मतलब हम कितने कंटेंट में लेंगे और हमको कैसा असर होगा। फॉर दैट यू हैव टू विजिट द मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो। आई एम टेकिंग यू टू द आयुष टुमारो। The cultivation of medicinal plants is covered and used in tea. The promotion of medicinal aromatic plants. अच्छा देखिए यही rosemary जो है। We can't be that Bengali Baba that he will open the shop and start doing. And everybody has to play its role. देखो my dear, farmer has to cultivate it on the land, then to sell into the market, then comes the जो industrialists हमारे हैं उनका product बनाने के लिए, फिर उनको उसमें लिखा होता है कि इसमें ये इतना है, इसमें ये इतना है, इसमें ये इतना है। देन द मेडिकल प्रैक्टिशनर या जो आपके जो आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं, बीयूएमएस डॉक्टर्स हैं, बीएचएमएस डॉक्टर्स, होम्योपैथ के जो डॉक्टर्स हैं, वो आपको बोलेंगे कि भाई रोजमेरी का ये जो है, अब आप देखोगे उसमें खाली रोजमेरी नहीं होगा, उसमें कुछ और जिस चीज़ें उसने ऐड की होगी वो आपको बोलेगा कि इसके 4 ड्रॉप्स आप ले लो, 6 ले लो ये इस चीज़ के लिए। दैट द स्टोरी जो मैंने रिवील की वो मैंने आपको बताया कि biomass. Average is 2.2 to 2.5 kgs per canal इसका ये निकलता है। दो we are getting the late, मैंने इसके extraction का आपको video दिखाना था, तो मैं ये मैम को forward करके रखूँगा, you can take it from that। We will play it tomorrow। आगे जाओ। नहीं इसका नहीं जाओ। नमाज का time है। अच्छा mint आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि mint जो है ये वाइल्ड ज़्यादा उगता है, यू कैन कल्टिवेट इन प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में भी आप इसको कर सकते हो। एंड इसका जो मिंट ऑयल है, पुदीना जिसको बोलते हैं, मिंट ऑयल है, इसके मिंट टैबलेट्स आते हैं इन स्मोकिंग द टबैको इंडस्ट्री इज यूजिंग इट, या आप इसका इसको फ्लेवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा आजकल मैं मैडम को भी बोल रहा था, सवेरे जब आप जाते हो ना वेजिटेबल वाले के पास, उसको बोलते हैं कि सब्जी लेने के बाद इसमें धनिया डाल दो, एक बार उसको बोलो पुदीना डाल दे, नहीं डालेगा, बिकॉज इट कास्ट 300 to 400 रुपीज पर केजी, और हमें पता ही नहीं है, और हमारे लॉन में देखो कितना बड़ा रहता है। आर्टिमीजिया टेटवन, एवरीबडी नोज इसका जो हमें जो मेडिसिनल काज इसका है, वर्म्स, आम यथवरंज, फीवर, चिल, मलेरिया, उसमें ये यूज होता है। इसका सोइंग टाइम जो है ऑटम और स्प्रिंग में है, कटिंग अर्ली समर्स। टेटवन सीड्स आर एक्सट्रीमली टिनी एंड बेस्ट एस्टैब्लिश इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ट्रांसप्लांट। द सीड्स कैन बी, चलो ये वही है, आप आ जाओ बेटा, रोजमेरी हमारा हो गया, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? आर्टिमीजिया ये बता दिया मैंने, और टेटवन किस किस काम आता है, मेडिसिनल यूज इसका है। लास्ट पे आ जाओ, तो ये वो स्टोरी है जो मैंने आपको बताया, अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। पहली मैंने आपको बताया करेवा लैंड्स में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी कश्मीर की जो टोपोग्राफी है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो इसको कितना सपोर्ट करती है, और हमारे कश्मीर में ऐसी वैरायटी वी नीड टू, बिकॉज यंग जनरेशन, इट्स ऑल ऑन योर शोल्डर्स, यू हैव टू प्रूव द मैटर। जो आगे वाले लोग नहीं कर सके वो हमें आगे लेके जाना है। ये जो मेडिसिनल एरोमेटिक, हाँ HADP में आपको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, HADP होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो आया है उसमें 10 वैरायटीज जो मैंने आपको बता दी वो उस मिशन के अंडर आई हैं।
आपने खाली सिंपली क्या करना है, आपने उस पर जाना है, HADP के डैशबोर्ड पे जाना है, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है एज एन इंडिविजुअल, या अगर किसी की अपनी कोई फर्म तो फर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो उसमें आपने दिखाना है कि आपकी रुचि किस में है, आप किस में करते हो, वो सारे कंपोनेंट्स आपको भरने हैं उसमें, किस किस में आप करते हो, क्या क्या करते हो। फिर नीचे उसमें आते हैं आपकी क्या नीड्स है, तो वो सारा फिर एक टीम ऑटोमेटिकली, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फार्म पहुँचेगा कंसर्न ऑफिसर्स तक, फिर वहाँ से हमारे पास ही वो आता है, ए टीम विल विजिट देयर कि आप जो ये बोल रहे हो कि ये सच है, इतनी ज़मीन आपके पास है, फिर जितने भी इनपुट्स आपके लगते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं, आपका पॉली हाउस उसमें आपको मिलता है, आपको प्लांट मटीरियल उसमें मिलता है, ठीक है, कीप दिस इन, और यू कैन हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर देयर, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, जहाँ पे आपको डैशबोर्ड में उसको करने में दिक्कत आ जाएगी, आई एम देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू हेल्प यू, कि कहाँ पे किस तरह कर रहे हैं आप उसमें खाली करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, इफ यू आर, चूंकि ये पोटेंशियल बिजनेस के लिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग द फ्लावर्स फॉर द ब्यूटिफिकेशन, उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको मार्केट पोटेंशियल भी उसमें देंगे, आप कैसे उसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ नाइस विद यू।